जिस तरीके से ये हमलों की शिद्दत में इजाफा हुआ है, मुख्तलिफ दीगर सियासी रहनुमाओं को भी सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से रिपोर्ट्स मिली हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब मुल्क भर के अंदर आम इंतखाबात होने हैं, सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर जानी हैं, ऐसे माहौल के अंदर क्या सियासी रहनुमा दीगर उनके उम्मीदवार एक भरपूर तरीके से इलेक्शन कंपेन कर पाएंगे ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट के दौरान? देखिए, हम अपने तौर पे ये एक हैंडीकैप फील कर रहे हैं कि हमारी अपनी जो फर्स्ट ईयर की क्यादत है, हम उसको जो है वो बाहर निकालते हुए डरते हैं और हम उस तरह से कंपेन नहीं कर पा रहे जिस तरह से कंपेन का हक हुआ करता है या जिस तरह से मौलाना हम क्यादत करते हुए कंपेन चलाया करते थे। आप देखिए कि इतने बड़े हमले और इतनी शिद्दत के साथ कि उसमें जो है वो तकरीबन जो है वो बचना मुमकिन नहीं रहता। और इवन मौलाना को कई दफ़ा टारगेट किया गया है, उनके घर को कई दफ़ा टारगेट किया गया, उनके घर पे रॉकेट हमले हुए हैं।